आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में क्या बताना है आपको, अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर -i के +2j के +2k के एंड मेकिंग इक्वल एंगल विद x एंड y एक्सिस कैन बी। ठीक है, तो आपको एक यूनिट वेक्टर बताना है जो इस वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा और जो x और y एक्सिस के साथ अपना इक्वल एंगल बनाता है। ठीक है, तो देखो मैं एक वेक्टर अज्यूम कर लेता हूं अपना ai कैप +bj कैप +ck कैप, ये मेरा रिक्वायर्ड वेक्टर है मेरा। ठीक है, ये मेरा यूनिट वेक्टर है। अगर ये एक यूनिट वेक्टर है तो यहां पर इसका जो a स्क्वायर +b² +c² इसके वाली मेरे 1 के इक्वल होनी चाहिए। इसका जो मेरा रूट होगा 1 होना चाहिए ना मेरा यहाँ पर, क्योंकि एक यूनिट वेक्टर है। ठीक है, अब जैसे कि बताया गया कि इक्वल एंगल बनाना है विद एक्स एंड वाई एक्सिस, तो यानी यहाँ पर देखो जो कॉस थीटा होगा मेरा, जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा वो हो जाएगा अपना ai कैप +bj कैप +ck कैप डॉट विद i कैप अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a² +b² +c² * 1। और इसी तरह से यहाँ पर cos थीटा होगा जो y एक्सिस का एंगल बनाएगा ai कैप bj कैप ck कैप डॉट विद j कैप अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a² +b² +c² * 1। अब जैसा कि बताया गया दोनों का एंगल इक्वल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे यहाँ पर। ये तो मिल रहा है ऐसे a अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ a² +b² +c², और यहाँ से क्या वैल्यू मिल रही है b अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ a² +b² +c². ठीक है, अब दोनों आपस में इक्वल है, तो यानी देखो दोनों का डिनोमेटर में इक्वल है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि a इक्वल टू b हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जैसे कि बताया गया कि जो वेक्टर है अपना ही परपेंडिकुलर है इस वेक्टर के साथ, तो यानी इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट में 0 होना चाहिए क्योंकि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है ना। तो ऐसे मैं लिख सकता हूँ ये अपना डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद -a +2b +2c इक्वल टू 0, डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए मेरा इनका। और आपको a इक्वल टू b पता है, तो b की जगह ये पुट कर दो -a +2a +2c इक्वल टू 0, -a +2a a हो जाएगा, यानी 2c इक्वल टू -a, दैट इंप्लाइज c इज इक्वल टू -a/2। c की वैल्यू आ गई -a/2। अब a इक्वल टू b है, c की वैल्यू -a/2 है, इसे क्वेश्चन में पुट कर देते हैं हम a² +b² +c² इक्वल टू 1 वाली में। यहाँ पर मिल रहा है आपको a², अब b भी मेरा a ही है तो वो रहेगा a², c की वैल्यू -a/2 है, तो यानी a² / 4 इक्वल टू 1। ठीक है, ये क्वेश्चन बन जाएगी अपनी, तो ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो 4 यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 2a² है ना, ये 2a² +a² / 4, यानी यहाँ पर आ जाएगा 9a² / 4 इक्वल टू 1, दैट इंप्लाइज a² इक्वल टू में 4/9 एंड a इज इक्वल टू +-2/3 के बराबर। ये हो गया a की वैल्यू। तो आपको जो वेक्टर गिवन था रिक्वायर्ड वेक्टर अपना ai कैप bj कैप +ck कैप, तो यहाँ से देखो वो कितना हो जाएगा, ये तो अपना ai कैप है, अब जो b है वो भी अपना a ही है, और जो c की वैल्यू है वो अपनी -a/2 है। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे आपको वैल्यू मिल जाएगी +-1/3 * में 2y कैप +2j कैप माइनस का k कैप। ठीक है, ये वैल्यू पुट कर दूंगा 2/3 यहाँ पर, तो आपको रिक्वायर्ड वेक्टर ही मिल जाएगा +-1/3 * में 2y कैप +2j कैप -k कैप। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।